सो ही दोस्तों, अगर आप इस टाइम में 15,000 के प्राइसिंग में कोई बेस्ट 5G स्मार्टफोन बाय करने की प्लान कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 15,000 के प्राइसिंग के नीचे देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ये सभी स्मार्टफोन में जो है प्राइस की अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी वाली देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है कुछ खास कंप्रोमाइज़ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपका बजट 15,000 प्राइसिंग के आसपास है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, जिससे आप डेफिनेटली एक परफेक्ट 5G स्मार्टफोन बाय कर पाएंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और अगर आपको वीडियो कहीं भी अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करी जाए Realme 9 5G स्मार्टफोन के बारे में, जहाँ पर आपको Realme की तरफ से अंडर 15,000 के प्राइसिंग में काफ़ी अच्छी वाली स्पेक्स ऑफर की गई है। जैसे कि आपको फ्रंट की ओर जो है 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस की LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज़ पैनल के साथ में आता है, और ये डिस्प्ले आपको साइड पंचोल लुक के साथ में आता है। और वहीं कैमरा की बात करें तो यहाँ पर जो है ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि मेन सेंसर आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है। इसके अलावा आपको बाकी के जो है 22 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिसिंग है। साथ ही फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दी गई है। यहाँ पर 5G को देखते हुए Realme की तरफ से कैमरा में कुछ खास कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है, यानी कि प्राइस के अकॉर्डिंग आपको डिसेंट कैमरा दी गई है। साथ ही स्मार्टफोन 5000 mAh बैटरी के साथ में आता है, जहां पर आपको ओनली 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। इसके चिपसेट के बारे में बात करें तो ये डिवाइस जो है MediaTek Dimensity 810 चिपसेट के साथ में आता है, जो कि 6 नैनोमीटर की आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। तो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट चिपसेट है। तो यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, साथ ही आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी तगड़ी वाली देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, और ये डिवाइस जो है इन द बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ में आता है। साथ ही यहाँ पर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट को ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आप एट ए टाइम 2 सिम कार्ड प्लस आप माइक्रो एसडी कार्ड यूज़ कर पाएंगे। प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो बेस ब्रांड है वो आपको 4G प्लस 64GB स्टोरेज के साथ में आता है, जिसका प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 15,000 है। बट अगर आप यहाँ पर HDFC कार्ड यूज़ करेंगे तो आपको 1,000 का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो Realme की तरफ से आपको इस प्राइसिंग में परफॉर्मेंस टॉप क्लास की दी गई है, साथ ही आपको 5G के अकॉर्डिंग जो है कैमरा भी काफ़ी सही देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं एक नॉन चाइनीज़ फ़ोन के बारे में, जो कि आता है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। ये डिवाइस जो है सैमसंग लवर्स के लिए मेन फोकस किया गया है। यहाँ पर आपको जो है दो चीज़ से काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आपको सैमसंग का यह स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसके तरफ जा सकते हैं। तो इसके स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट की ओर जो है 6.6 इंच की एक फुल एचडी प्लस वाली डिस्प्ले दी गई है, जो कि TFT पैनल के साथ में आता है, और वहीं आपको 120 हर्ट्ज़ की स्मूथ रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और ये डिस्प्ले जो है भी नॉच के साथ में आता है। तो यहाँ पर आपका मल्टीमीडिया कंजम्पशन जो है उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपका वीडियो एक्सपीरियंस यहाँ पर उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि डिस्प्ले उतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही स्मार्टफोन जो है ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जिसका प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का यूज़ किया गया है। और अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दी गई है, एंड यहाँ पर आपको 1 और 2 मेगापिक्सल का यूजलेस सेंसर मिलता है। साथ ही फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको फ्रंट वाली कैमरा जो है कुछ खास देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आपको डिटेलिंग की कमी देखने को मिलेगा। वैसे देखा जाए तो नॉर्मली सैमसंग का कैमरा काफ़ी बढ़िया होता है, बट इस डिवाइस में आपको कैमरा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। और ये डिवाइस आपको 5000 mAh बैटरी के साथ में आता है, जहाँ पर अच्छी बात है कि आपको 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है, बट बुरी बात है कि आपको बॉक्स के अंदर चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। और ये डिवाइस आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 1050G चिपसेट के साथ में आता है, जो कि एक 5G चिपसेट है, और यहाँ पर आपको जो है ये चिपसेट 8nm पर बेस्ड है। साथ ही आपको 12 5G बैंड्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस आपको प्राइस की अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी वाली देखने को मिलेगा, उसमें आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। और ये डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 के साथ में आता है, साथ ही यहाँ पर डेडिकेटेड सिम स्लॉट को ऑप्शन दिया गया है, और ये डिवाइस आपको 4G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में मिल जाएगा, जो कि इसका बेस ब्रांड है। और इसका प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 16,000 है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बैंक ऑफर यूज़ करते हैं तो आपको 1,000 का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको इस प्राइसिंग में सैमसंग की तरफ से कोई स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आपको इस प्राइसिंग में और भी ढेरों स्मार्टफोन देखने को मिलता है, जहां पर आपको इससे अच्छे स्पेक्स देखने को मिलेगा, जहां पर आपको इतनी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फ़ोन की ओर। तो ये डिवाइस आता है आईको Z6 5G, और यहाँ पर आपको फ्रंट की ओर दी गई है 6.58 इंच की एक IPS डिस्प्ले, जो कि फुल HD प्लस पैनल के साथ में आता है, और यहाँ पर भी आपको 120 हर्ट्ज़ की हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, और ये डिस्प्ले आपको भी नॉच के साथ में देखने को मिल जाएगा।
और वहीं कैमरा की बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ में आता है। 50 मेगापिक्सल के यहाँ पर मेन सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल की मैक्रो लेंस दी गई है। और वहीं फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आइको का स्मार्टफोन है तो यहाँ पर आपको कैमरा भी काफ़ी सही देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कैमरा में कुछ खास इशू देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है जो कि 5000 mAh बैटरी के साथ में आता है। तो अब बात कर जाए इसके मेन हाइलाइटिंग फीचर के बारे में जो कि इसका चिपसेट है। तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का जो है 695 का एक 5G चिपसेट यूज़ किया गया है जो कि 6nm बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको ओनली 2 5G बैंड्स का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ये डिवाइस अच्छी बात है कि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 के साथ में आता है। और यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है। प्राइसिंग की बात करें तो ये डिवाइस 4G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में आता है जिसका प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 15,500 है, लेकिन अगर आप यहाँ पे बैंक ऑफर यूज़ करते हैं तो आपको 1 से 1.5 हज़ार तक का जो है डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको इस प्राइसिंग में अच्छी खासी परफॉर्मेंस, साथ ही आपको कैमरा भी काफ़ी सही देखने को मिलेगा। तो आप इसे ज़रूर से कंसीडर कर सकते हैं, खासतौर पर अगर आपको कोई गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो ये डिवाइस आपको अंडर 15,000 के प्राइसिंग में आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन हो सकता है। सो ही गाइज, अब बात करते हैं पोको M4 Pro 5G डिवाइस के बारे में, जहां पर आपको फ्रंट की ओर दी गई है 6.6 इंच की एक फुल HD प्लस वाली IPS पैनल जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। और ये डिस्प्ले आपको सेंटर पंचोल लुक के साथ में आता है, यानी कि आपको लेटेस्ट डिजाइन देखने को मिलेगा। और वहीं आपको रियर साइड की ओर डुअल रियर कैमरा सेटअप दी गई है जिसका मेन सेंसर आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल दी गई है, तो यहाँ पर आपको जो है फालतू के 2-2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड मैक्रो लेंस देखने को नहीं मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा स्टेप है। और वहीं आपको फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल की पंच होल सेल्फी कैमरा दी गई है। यहाँ पर आपको कैमरा जो है 5G की ओर देखा जाए तो काफ़ी ठीक ठाक कैमरा देखने को मिल जाएगा। साथ ही ये डिवाइस 5000 mAh बैटरी के साथ में आता है। और यहाँ पर अच्छी बात है कि आपको 33W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। और वहीं आपको MediaTek Dimensity 810 का 5G चिपसेट मिलता है जो कि 7 5G बैंड्स के साथ में आता है। तो परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी वाली देखने को मिलेगा। और वहीं आपको Android 11 का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। और ये भी डिवाइस आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ में आता है। इसके अलावा आपको ये डिवाइस जो है स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, तो यहाँ पर आपका ऑडियो एक्सपीरियंस जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। प्राइसिंग की बात करें तो 4G प्लस 64GB के साथ ये डिवाइस आता है जिसका प्राइसिंग 15,000 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको इस प्राइस रेंज में पोको की तरफ से काफ़ी अच्छी वाली स्पेक्स ऑफर की गई है, आप इसे चाहे तो कंसीडर जरूर से कर सकते हैं। सो ही गाइस, अब बात करते हैं ऐसे यूजर्स के बारे में जिनको स्टॉक एंड्रॉइड की फील चाहिए। ये डिवाइस आता है मोटोरोला G51 5G। और यहाँ पर आपको मोटो की तरफ से दी गई है 6.8 इंच की एक अच्छी खासी बिग साइज वाली डिस्प्ले जो कि फुल HD प्लस पैनल के साथ में आता है। और यहाँ पर आपको LCD डिस्प्ले दिया गया है, साथ ही आपको 120Hz की रिफ्रेश रेट की सपोर्ट भी दी गई है। तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको काफ़ी बिग साइज वाली देखने को मिलेगा, साथ ही ये डिस्प्ले सेंटर पंचोल लुक के साथ में आता है। कैमरा की बात करें तो रियर साइड की ओर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का एक और सेंसर देखने को मिलता है। और वहीं फ्रंट की ओर 13 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दी गई है। यहाँ पर आपको मोटो की तरफ से कैमरा जो है डे लाइट में देखा जाए तो ठीक ठाक परफॉर्म करता है, बट आपको लो लाइट में जो उतनी अच्छी डिटेलिंग देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही स्मार्टफोन 5000 mAh बैटरी के साथ में आता है जिसे चार्ज करने के लिए 20W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। इसके चिपसेट के बारे में बात करिए तो ये स्मार्टफोन आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्लस 5G चिपसेट के साथ में आता है जो कि 8nm बेस्ड है, साथ ही आपको 12 ग्लोबल 5G बैंड्स का भी सपोर्ट दिया गया है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस भी आपको ठीक देखने को मिल जाएगा। और वहीं ये स्मार्टफोन नियर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में आता है जो कि इन द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको मोटो की तरफ से थिंगसेल की एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी भी दी गई है। और ये डिवाइस हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ में आता है। प्राइसिंग की बात करें तो ये डिवाइस सिंगल ऑप्शन के साथ ही आता है जो कि 4G प्लस 64GB स्टोरेज के साथ में देखने को मिलेगा, जिसका प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 14,499 है। तो अगर आपको इस प्राइसिंग में मोटो की तरफ से नियर स्टॉक एंड्रॉइड की फील चाहिए, साथ ही आपको अच्छी खासी एक 5G बैंड वाली स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये डिवाइस आपको जो इन हैंड फील थोड़ा सा बल्कि फील होगा क्योंकि ये डिवाइस थोड़ा सा बड़ा साइज का है। सो ही दोस्तों, ये था अंडर 15,000 के प्राइसिंग में आने वाले 5G स्मार्टफोन। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगी होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ।